Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एम्बुलेंस को कॉल करो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो आप। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा मर्डर है या कुछ भी। क्या कॉल करो? यार अरसलान ने सुसाइड कर ली रात को। पता नहीं, रात 8:30 तक तो हम दोनों साथ ही थे। हाँ, तदफीन डेड बॉडी के आने के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कि सुसाइड है या नहीं। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप तीनों अरसलान साहब के दोस्त हैं भाई, दोस्तों आप लोग? मैं, मेरी बहन युसरा, हम चारों बचपन के दोस्त हैं। जी सर, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। और सलान साहब की फैमिली कहाँ रहती है? डेथ हो चुकी है, उनकी एक बाजी है जो दुबई में रहती हैं। बड़ी मालूमात है आपको अरसलान साहब के बारे में। फिर तो ये भी पता होगा कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। नहीं, उसने खुदकुशी नहीं की है, वो खुदकुशी नहीं कर सकता। तो आपका कहने का मकसद है कि ये खुदकुशी नहीं है? सर युसरा जज्बाती हो रही है, ये खुदकुशी ही है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अरसलान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देर पहले तो आप किसी से कह रहे थे कि अरसलान ने खुदकुशी की? जी सर। हो सकता है खुदकुशी ना हो, मर्डर हो। जी बिल्कुल हो सकता है सर। आ रहा है, मैं सिर्फ उसके मुताबिक बता रहा था। सर डेड बॉडी कब तक मिल जाएगी? मेरा मतलब है कि पोस्टमार्टम कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द। जी, मुर्दे को जल्द से जल्द मिट्टी के हवाले कर देना चाहिए। मेरा नाम यासिर अहमद है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं, अरसलान, अरीब और युसरा, हम चारों बचपन के दोस्त हैं। इनफैक्ट हम 5th क्लास से एक साथ। अरीब और युसरा दोनों बहन भाई थे। युसरा अरीब से गालिबन 10 मिनट छोटी या बड़ी थी। हम चारों ने एक साथ मैट्रिक किया और फिर इधर उधर हो गए। लेकिन रोज शाम को अरसलान के घर पार्टी हुआ करती थी। युसरा और अरसलान अक्सर पार्टनर्स बना करते थे। अरसलान और युसरा में काफी गहरी दोस्ती थी। मैं और अरीब भी काफी क्लोज थे। ओवरऑल हम चारों जिगरी यार थे, दोस्त। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल थे। फिर एक रात अरसलान की गर्दन में रस्सी पड़ी हुई थी और उसकी लाश रही थी। पुलिस ने हम तीनों से तफ्तीश शुरू कर दी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरसलान नशा किया करता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिपोर्ट तो फिर गलत हो गई।
इसमें तो ऐसे लिखा है। गलत लिखा है इसमें। हाँ कभी कभी वो नींद की गोलियां ले लिया करता था, मगर नशा नशा वो कभी नहीं करता था। इस रिपोर्ट में भी यही लिखा है। देखिए सर, 8 बजे तक हम दोनों साथ थे, उस वक्त तक। इस रिपोर्ट के मुताबिक अरसलान ने 10 बजे के आसपास खुदकुशी की। सर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता। ये रिपोर्ट भी यही कह रही है कि अरसलान ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका सीधा सीधा मर्डर हुआ है। किसी ने उसे नशावर दवा पिलाकर पंखे से लटका दिया और चला गया। सर चली गई भी हो सकता है। जी जी बीबी, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो और इकरार जुर्म कर लो। मैं अरसलान को क्यों मारूंगी? नहीं बता सकती हो। सर मैं और अरसलान दोस्त होने के अलावा कुछ और भी थे। मेरा मतलब है कि दोस्ती के अलावा भी कुछ था। या ऐसा ऐसा खुल रही है सर। बीबी तुम्हें जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरसलान ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे कत्ल किया गया था। किसी नशावर चीज में जहर देकर मारा गया था। पुलिस हम तीनों से पूछताछ कर रही थी। उनके ख्याल में युसरा ने यह सब किया था, क्योंकि अरसलान के सेलफोन पर जिस शख्स की सबसे ज्यादा कॉल्स थी वो युसरा थी। सबसे ज्यादा मिस्ड कॉल्स भी युसरा की ही थी। अरसलान और युसरा ने घंटों गुफ्तगु की, बल्कि एक कॉल तो 6 घंटे की थी। को युसरा पर शक था, लेकिन मैं और अरीब भी दायरा तफ्तीश में। साफ साफ बताओ क्या चक्कर था? मैं अरसलान से प्यार करती थी। शाबाश, जो किसी से इतना प्यार करता हो वो उसे मार कैसे सकता है? जिस तरह तुमने मारा है, नहर मिलाकर उसे मार दिया और फिर उसे पंखे से लटका दिया ताकि पुलिस चकरा जाए। नहीं, मैंने अरसलान को नहीं मारा। फिर किसने मारा है? सर इसे ड्राइंग रूम की सैर करवाते हैं, सब उबल देगी। सर मैं तो अरसलान को दास तक नहीं देख सकती थी। मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। सर ये ऐसे नहीं बोलेगी, इसे थाने ले चलते हैं। तुम्हें बॉडी थाने की? सर सारा केस क्लियर है। ये अरीब और यासिर कहाँ हैं? वो दोनों कब्रिस्तान गए हैं। तुम नहीं गई? नहीं, वो दोनों मुझे लेकर नहीं गए। क्यों? लड़कियों का कब्रिस्तान जाना अच्छा नहीं लगता, ये उन दोनों का कहना था। मैं तो हमेशा अरसलान के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। बस बस ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये तो तुम्हें मारने से पहले सोचना चाहिए था। साफ साफ बता क्यों मारा? मैंने नहीं, मैं आप दोनों को कैसे यकीन दिलाऊं? मैं और अरीब रोजाना अपने दोस्त अरसलान से मिलने कब्रिस्तान जाया करते थे और हर शाम हमारी लगती थी। युसरा अरसलान के फ्लैट को खाली नहीं रहने देना चाहती थी। युसरा से किसी ने कहा था कि मरने वाले की रूह 40 दिन तक आती। मैं और अरीब फातिहा पढ़ और अरीब फौरन आ गए। हाँ क्या हाल है तुम्हारा? मेरा सर दर्द से फट जाएगा। ये सब मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। क्या नाकाबिले कबूल है? अरसलान का मर्डर या युसरा और अरसलान की प्रेम कहानी? नहीं आ रहा।
एक दफा थाने ले चल दे, इसे पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। ये बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी बहन युसरा अरसलान में इन्वॉल्व है? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। अबे तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया? कोई लड़की वड़की का मामला तो नहीं? कोई तेरी शुरू नहीं हो गई? हाँ ऐसे ही कुछ है। वेरी गुड यार, तो बहुत खुशी की बात है। अरसलान और युसरा को भी साथ ले? यार वो दोनों लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनको करने दो। अबे यार बता ना, भाभी क्या करती है, कहाँ रहती है? लगता है तुझे गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? अबे अभी तो बात कर रहा था। हाँ लेकिन मैं तुझे कुछ और बताने वाला था। और क्या? रहने दे, नहीं है। अरे यार अगर मुझे नहीं पता तो तुझे तो पता है ना, तो तू मुझे बता दे। यार समझ नहीं आता कि तू सुन के क्या फील करेगा, तेरा रिएक्ट क्या होगा। अबे मेरे रिएक्शन को गोली मार और बात बता। यार वो अरसलान और युसरा एक दूसरे में बहुत इन्वॉल्व हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो दोनों प्यार में बहुत आगे निकल गए। यार तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? अगर ये बात सही निकली तो मैं उन दोनों को, अगर ये बात गलत निकली ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बस इतनी सी बात पे तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने अपने बचपन के दोस्त अरसलान का काम तमाम कर दिया? नहीं सर। सर अब ये कहेगा कि इसे गुस्सा आ गया था और इसने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश की, मगर गैरत ने गवारा नहीं किया। गैरत और बेगैरत की बात नहीं है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत के कत्ल के बराबर है। बस इतनी सी बात पे तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने अपने बचपन के दोस्त अरसलान का काम तमाम कर दिया। नहीं सर अब ये कहेगा कि इसे गुस्सा आ गया था और इसने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश की, मगर गैरत ने गवारा नहीं किया, वगैरह वगैरह। गैरत और बेगैरत की बात नहीं है, मैं और एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तुम्हारा क्या ख्याल है, पढ़े लिखे लोगों के पास गैरत नहीं होती? बिल्कुल होती है। ये बताओ कि जब तुम कि युसरा और अरसलान एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, ये सुन के तुम्हें अच्छा लगा या बुरा? बुरा लगा था। जाहिर सी बात है, कोई भी भाई अपनी बहन का फेर सुनकर खुश नहीं होता, और मैं भी खुश नहीं हुआ। फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने युसरा से बात की। अरसलान है? अरसलान मैं तुम्हें अभी कॉल करती हूँ। क्या हो गया है तुझे अरीब? साफ साफ मुझे बता, तुम्हारा और अरसलान का क्या चक्कर चल रहा है? तुम्हारा और सना का चल रहा है। क्या मतलब? क्या तुम प्यार कर सकते हो, मैं प्यार नहीं कर सकती? तुम इंसान हो, मैं इंसान नहीं हूँ? बेगैर है तो तुम दोनों खाम खा दोस्त होने का दावा करते हो, दोस्त नहीं समझते तुम मुझे और यासिर को। क्या मतलब है तुम्हारा मुझसे और यासिर से ये बात छुपाने की, तुम्हें क्या जरूरत पेश है? मैंने मना किया था अरसलान को। क्यों? मैं तुम्हें और यासिर को सरप्राइज देना चाहती थी। तो तुमने अरसलान का मर्डर करके सबको सरप्राइज दे दिया?
तो बहुत खुश था और बल्कि अरसलान तो बहुत अच्छा इंसान था। और भला जब मैं मोहब्बत कर सकता हूँ तो मेरी बहन क्यों नहीं कर सकती? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सच सच बताओ, क्यों मारा तुमने उसे? मैंने नहीं मारा सर। फिर कैसे मारा है? मुझे नहीं पता। अच्छा बताओ, उसकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं। तो फिर बात तो क्लियर है ना कि मर्डर तुमने किया या तुम्हारी बहन यूसरा? सर दोनों को थाने लेके चलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तुम यूसरा को बुलाओ, इन दोनों को थाने ले जाके ही बात करनी पड़ेगी। जी सर। तुम यासिर मेरी यूसरा से शादी कर लेना, मैं जानता हूँ तुम यूसरा से बहुत प्यार करते हो। आगे क्या लिखा है? आगे लिखता है कि मेरी यूसरा का बहुत ख्याल रखना, उसे कभी कोई तकलीफ मत होने देना। खुदा हाफिज। गुड, बड़ी तफसील से ईमेल की है उसने। जी सर। ये अरसलान ने खुदकुशी से पहले और भी लोगों को ईमेल की होगी? पता नहीं सर। तो पता करो ना, तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। एक तरीका है सर। वो क्या? अब उसके लैपटॉप से पता चल जाएगा कि उसने मरने से पहले किस किस को ईमेल की थी। आप चलिए सर। हाँ चलो, तुम लोग बैठो, मैं और यासिर देख। मैं बचपन से ही कंप्यूटर का कीड़ा था, कंप्यूटर ही मेरी जिंदगी थी और मैं कंप्यूटर की तरह ही सोचता था। मैंने 2 मिनट में अरसलान का लैपटॉप खोल दिया, उसका ईमेल अकाउंट मेरे सामने था। खुदकुशी से पहले उसने जिन जिन लोगों को मेल की थी सब की तफसील। मैंने 2 मिनट में अरसलान का लैपटॉप खोल दिया, उसका ईमेल अकाउंट मेरे सामने था। खुदकुशी से पहले उसने जिन जिन लोगों सब की तफसील थी। खुल गया सर। गुड, तुम तो बहुत बड़े चैंपियन हो कंप्यूटर के, फौरन ही कंप्यूटर खोल देते हो तुम्हें। जी सर। अरसलान का कंप्यूटर तुमने 2 मिनट? क्योंकि सर मेरे पास पासवर्ड है। पासवर्ड? जी, मेरे पास यूसरा और अरसलान के भी पासवर्ड हैं, क्योंकि इन तीनों के कंप्यूटर्स में ही ठीक करता था। एक बात बताओ, अरसलान को कैसे पता चला कि तुम यूसरा से प्यार करते हो? यही कोई 1 साल पहले मैंने बताया। ये जानते हुए कि अरसलान और यूसरा एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं नहीं सर, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था। फिर ये बात कब पता चली कि वो दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं? 1 महीना पहले। लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कर लेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप अरीब और यासिर को बता देना चाहिए। बता देंगे ना। तुम समझ नहीं रही यूसरा, मैं अपने यारों से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। सॉरी, मैं चलता हूँ। यासिर प्लीज अरीब को कुछ मत बताना। यूसरा के मना करने के बावजूद ये बात तुमने अरीब को बता दी? जी। क्यों? क्योंकि एक दोस्त का अपने दूसरे दोस्त से कोई भी बात को सीक्रेट रखना बेईमानी सर, इसीलिए। अरसलान ड्रिंक किया करता था? जी हाँ, हम दोनों कभी कभी करते थे। लेकिन यूसरा और अरीब तो कह रहे थे कि तुम दोनों ड्रिंक नहीं करते।
दोनों इंजॉय करने के लिए कभी कभी ऐसा करते थे, और युसरा और अरीब को इस बात का पता नहीं था। ये बीमारी नहीं? जी बिल्कुल बीमारी है, ड्रिंक करना को मुझे पता ही जाए। मेरे ख्याल में तू बहुत बड़ा प्लानर है। जी क्यों मारा तूने अरसलान को? क्यों मारा? मैंने नहीं मारा सर, मैं एक प्लानर था, हर प्लान सोच समझ के बनाता था। मगर कहते हैं ना कि खून खुद बता देता है जल्लादों के मस्कन का पता। जल्दी बता वरना थाने ले जाके इतनी मार मारूंगा कि अपना नाम लेना भूल जाएगा। सर मैंने नहीं मारा सर, मेरा यकीन करें। पुलिस को है? मरने के बाद कोई किसी को ईमेल कर सकता है? नहीं। तो उसने तुझे ईमेल कैसे की खुदकुशी के बाद, बोल। जी प्लानिंग करते वक्त ये भूल गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मरने का टाइम भी आता है। नहीं पता थी ना ये बात? और मिस्टर प्लानर ईमेल में डेट भूल गया है सब कुछ। क्या प्लान बनाया था तूने? उसकी दौलत सब पे कब्जा कर लेगा, खुद ही वसीयत ली थी, उसकी माशूका से शादी भी करना चाहता था है? मैंने अरसलान को नहीं मारा सर। बकवास करते हैं, बकवास नहीं कर वरना जान से मार दूंगा। मैंने अरसलान को कत्ल किया था। उस रोज अरसलान और युसरा की लड़ाई हुई थी। अरसलान अरीब को बताने पर जोर दे रहा था जबकि युसरा उसे बताने से मना कर रही थी। मैंने इस मौके से फायदा उठाने का प्लान बनाया। अरसलान की उदासी दूर करने के लिए मैंने एक ड्रिंक बनाई। नीला थोथा डाल दिया। फिर वो जहर मिली हुई ड्रिंक मैंने अरसलान को दे दी। अरसलान ने वो ड्रिंक चीयर्स की और एक सांस में पी ली। दिल ने किस सफाई से धोई है आस्ती उसको खबर नहीं, होता भी है। मैं सब भूल गया था,
मैं युसरा को पाने के लिए कुछ भी कर गुजर सकता था। मैंने युसरा को पाने के लिए अरसलान को मार डाला, अपने अपने जिगरी दोस्त को मार डाला। मैं अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया, अपने ही हाथों से अपनी कब्र की मिट्टी खोदी। सॉरी अरसलान, रियली सॉरी। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूं।